तो कैसे हैं? तो हेलो गेमर्स, स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल आईटी की हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। दिक्कत ना लो यार, दो गेम प्लेज होने वाले हैं इसमें। तो पहला जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बंदों को ठिलाया गया है। उतरते ही AKM मिल चुकी है और शॉर्ट गन मिल चुकी है, एंड ग्राफिक्स थोड़े अच्छे दिख रहे हैं ना, तुमको कमेंट करके जरूर बताओ। अब फिलहाल यहाँ पर एक स्क्वाड होती है पूरी की पूरी, जिसमें से कि एक बंदा निहत्था मिल जाता है। अब ये बंदा तो यार नॉक हो चुका है और इसके ठहरे बाकी के तीन टीममेट जो कि ऊपर छत पे लूटपाट कर रहे हैं, एंड उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला होता तो यार वो तो बचाने के लिए नहीं आते, मतलब शक्ल तक भी नहीं दिखाते। तो फिलहाल हम रोटेट वोटेट मारते हैं, बंदूक की लोकेशन वोकेशन पता करते हैं, और कुछ बंदे देखना मेरे मुंह के सामने कूदने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी ना यार कि जिस बंदे को भी नॉक कर रहे हैं ना, उसका किल कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक सारे के सारे बंदे इनके कूद ही रहे हैं। और मेरी एमो खत्म हो चुकी है यहाँ पे AKM की, तो फिलहाल पेटी वेटी लूट लेता हूँ। और एक बंदे के पास M24 होती है जो कि लालच दिला देती है मेरे को इन बंदों को मारने में एंड M24 उठाने में। अब जैसे ही इन बंदों की पेटी वेटी बन जाती है पूरी तरह से, चारों के चारों बंदे ठिल जाते हैं इनकी, तो सबसे पहली मैं उस बंदे की पेटी लूटता हूँ जिसके पास M24 होता है। फिलहाल एक बॉट दिख चुका है एंड डैमेज लोग बोल रहे हैं अभी तक कि बढ़ा दिया गया है, पता नहीं कितना बढ़ाया गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल M24 उठा लिया गया है, 6x वैसे भी है मेरे पास, 3x भी है। तो अब ना यार निकलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ ना, सीधा गाड़ी लेकर हम जो है ना निकल रहे होते हैं सेंट्रल रोड की तरफ, बट विलेज से, विलेज की तरफ फाइटिंग की आवाज़ सुनाई देती है और पूरी की पूरी एक स्क्वाड होती है वहाँ पर, तो देखना उन लोगों को भी ठिलाएंगे। एंड उस स्क्वाड वाइप के लिए तुमको लाइक ज़रूर से करना पड़ेगा यार वीडियो को, वैसे नहीं भी करोगे तब भी कर देना यार, आ गए हो तो कर दो वीडियो को लाइक। चैनल पे नए हो, घूमते घूमते आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड प्रमोशन जब इतना कर ही रहे हैं तो भैया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन तुमको लिंक, क्या बोल रहा हूँ, लिंक पे तुम, अरे भैया डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। अब एक बंदे को यहाँ पर नॉक करने के बाद इसका और टीममेट रोटेट मार के आ रहा होता है, तो फिलहाल कवर ववर लेके इसको हल्का हल्का डैमेज देते हैं। और इस बंदे को नॉक कर, सॉरी यार, इस बंदे को ठिलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है मेरे को, देख सकते हो इतना गंदा पड़ा है मेरे को पीछे से। भैया हेल्थ मेरी 10% ही बची और जैसे ही हिल लगाने जाता हूँ ना, बंदा मेरा कुछ ना कुछ उठा ले रहा था। फिलहाल तो यहाँ पर पीछे की तरफ कूद जाते हैं, हल्का सा टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह यूज़ करेंगे यहाँ पर इन बंदों को ठिलाने के लिए, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। अब एक बंदा लेटा हुआ मिल जाता है जिसको क्या डैमेज दिया मैंने, लेकिन इनका एक और बंदा सामने वाली 3-स्टोरी बिल्डिंग में होता है जो कि एकदम से एम करके बैठा होता है मेरे ऊपर, तो एक और नेट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर रिवाइव चल रहा होता है, एंड इस नेट से यार एक और बंदा उनका नॉक हो जाता है। तो फिलहाल अब इनके दो बंदे नॉक हैं और एक बंदा तो यार इस ब्लू वाली बिल्डिंग में हमारे, ब्लू वाली या 3-स्टोरी, हाँ 3-स्टोरी बिल्डिंग में हमारे साथ, जिसको कि ठिलाएंगे बस थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके। फिलहाल एक और नेट कुक करता हूँ मैं वहाँ पर, फेंकता हूँ और ये नेट फालतू चला जाता है, भैया वो लोग पीछे की तरफ चले गए होते हैं। और अब देखो जो इस बिल्डिंग में बंदा है ना, इसको ठिलाएंगे। अब बच रहा है इनका सिर्फ एक लास्ट बंदा जो कि यार एकदम बमबाज हो रखा था यहाँ पे, नेट वेट किया जा रहा था, लेकिन भाई साहब का नेट बहुत ही गलत टाइम पे होता है क्योंकि मैं नीचे कूद जाता हूँ, अगर ऊपर मैं चला जाता तो शायद फट जाता, और इसी चक्कर में बेचारा गन भी नहीं निकाल पाता। एंड इसी के साथ इन लोगों की स्क्वाड जो है ना मुक्ति धाम चली गई है, लॉबी पहुँच चुकी है। अब फिलहाल इन लोगों की भी पेटी से बहुत अच्छी खासी माल पानी प्राप्त हो जाती है हमको, तो पेटी वेटी लूटने के बाद सीधा अपनी जो बग्गी लेके आए थे हम
उसको नहीं लेके जाएंगे इस बार, क्योंकि सस्ती लैम बर्गनी पड़ी हुई यहाँ पे जो कि अब महंगी हो चुकी है नए फिनर पास के बाद, तो बस उसी को लेके निकलेंगे आगे की तरफ। एंड एक बंदा हमको ना यार जो सेंट्रल रोड के पीछे एक डबल स्टोरी बिल्डिंग होता ना वहाँ पर मिल जाता है, जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है, तो देखो बस उसको ठिलाएंगे। एंड बीच में ड्रॉप से M249 मिली होती है जो कि बहुत घटिया गन है यार, लिटरली बहुत घटिया गन है। फ्री फायर के लिए सही है लेकिन यार डैमेज नाम की चीज़ बहुत बेकार लगती है मेरे को। अब यार ये नेट तो फालतू चला जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बोला M249 है हाथ में जो कि फ्री फायर के लिए बहुत सही है। अब ज़रा नोटिस करो मेरे M249 में सिर्फ 17 बुलेट्स ही बची हैं, तो सोचो 100 में से 17 लगभग लगभग मैंने उस बंदे को ऊपर यार कितना कितना ठोस दिया, 83 बुलेट्स चला दी, बट बंदा इतने में जाकर फिनिश हुआ। अब मानता हूँ 83 बुलेट्स चला ली जिसमें से कि यार बंदे को 50 लगी होंगी, फिर भी यार 50 नहीं लगते अगर तुम नॉर्मल गन का यूज़ करो, इसलिए M249 मेरे को बहुत बेकार लगता है। अब सामने यार एक बहुत ही अच्छा खासा नमूना मिल जाता है हमको दोस्ती का, बंदे यार अपने ऑफलाइन टीममेट को गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर जोन में घसीटते घसीटते लेके जा रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं उनको। तो यार चाहे बंदा ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, मारना तो बनता है। कौन सा भैया उसने मेरे को अवार्ड देने वाला है अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो फिलहाल गाड़ी लेके चलते हैं सीधा उनके पास। एंड वहाँ पे यार सीन होने वाला है, वो तुम खुद देख लेना क्या सीन होता है। थर्ड पार्टी होती है वहाँ पे जो कि सल्टाते हैं सब कुछ ना। फिलहाल जो ये बंदा है ना ऑफलाइन, इसको तो नहीं मारेंगे, पहले जो दो बंदे घर में घुसे हैं उनके ऊपर ट्राई करते हैं कि कुछ हो जाए इनका। एक मॉली करता हूँ जो कि बेकार चली जाती है, फिर जाकर सोचता हूँ कि यार जो बंदा ऑफलाइन है उसी को क्यों ना ठिला दिया जाए। अब इस बंदे को मैं इसीलिए नॉक करता हूँ कि यार ये सोचता हूँ इसके जो बाकी जो घर में बचे हैं घुसे हैं ना बंदे, वो बाहर निकलेंगे इसको रिवाइव देने के लिए, लेकिन ये कतई ढीठ लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। और यहाँ पर यार थर्ड पार्टी हो जाती है फिलहाल, तो देखो मैं इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पर आ ही रहा होता है कि यार इतने में इसे कोई और ही फिनिश कर देता है एंड मेरा किल भी बर्बाद हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी यार दो बंदे नॉक कर रखे हैं और दो बंदे अभी भी बच रहे हैं एक स्क्वाड के, नहीं एक बंदा दो बंदे बच रहे होते हैं, क्योंकि यार एक बंदे को उसमें से और ठिला देता हूँ लेकिन जो लास्ट का बंदा होता है वो मेरे को यहाँ पे खा जाता है और इसी के साथ ये गेम प्ले यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, तो नेक्स्ट गेम प्ले करेंगे उसके बाद। फिलहाल तो ये गेम प्ले बर्बाद होता हुआ देखो क्या कर सकते हैं भैया। तो फिलहाल गेमर्स आज की वीडियो में बस यही वाला गेम प्ले यार, क्योंकि ज़्यादा गेम्स नहीं खेले थे मैंने जिसकी वजह से कोई प्रॉपर गेम प्ले नहीं बन पाया। एंड लास्ट में ये कुछ क्लचेस वगैरह हैं, ये ज़रूर से देख के जाना, मन को शांति मिल जाएगी। एंड हाँ डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लाइक भी कर देना यार, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से बोलता हूँ बाय। सर हेलमेट वेस्ट ले लीजिए हमसे, सर कहाँ जा रहे हैं। स्कोप खोल के बैठी है बेवकूफ, क्या करती है यार ये बंदी, पब्लिक है क्या यार। दिखाई दे।
भाई तो तक ये क्या है, क्या है? जा रहे ओपन में भाग रहा है, मार ओपन में।